हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज 29 तारीख है और मैं यहाँ पे कर लूँगी, पूरे घर की सफाई हो गई है मेरे। बाहर का रह गया था ये बरामदा और रैंप, साथ में गली की सफाई भी हो जाएगी। ये सब जो झाड़ू पोछा था ये मेरी हेल्पर करती थी और वो चली गई है, यहाँ पे हमारे रेंट पे रहती थी, वो खाली करके चली गई है, वही करती थी ये काम। तो अब 2-4 दिन से मुझे करना पड़ रहा है, इसलिए बहुत लेट हो जाता है मेरा काम भी। तो करना तो पड़ता ही है, अब करूँगी धीरे धीरे जब तक कोई मिलता नहीं है। तो मैं बाकी का काम तो मैं खुद करती हूँ, डस्टिंग वगैरह जो भी घर में और काम होता है वो मेरा अपना खुद का करती हूँ। वो कपड़े वॉश करना वो सब मैं खुद करती हूँ, वो सिर्फ झाड़ू पोछा, इसी में मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती है हाउसवाइफ के लिए तो, और कुछ टाइम निकाल पाती है कुछ अपने लिए। तो यहाँ पे छत पे भी झाड़ू लगाने को पड़ा था जब दिवाली के टाइम पे पटाखे वगैरह चलाए थे ना, तो उसका सारा ये इकट्ठा मतलब पड़ा था, बिखरा हुआ, उसको मैं झाड़ू लगा लूँगी धूप होने से पहले, ज़्यादा धूप ना हो। तो नीचे तो मैंने झाड़ू ही लगाया था, पोछा नहीं लगाया था अभी। सेकंड फ्लोर पे भी मैंने झाड़ू ही लगा लिया है, मैं वहाँ पोछा नहीं लगाऊँगी, मैं पोछा लगाऊँगी कल, क्योंकि आज मैंने मार्केट जाना है कि थोड़ा जल्दी काम हो जाए, फिर बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल के आने का और खाने का भी टाइम हो जाता है साथ में। तो इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी ये निपटा लूँगी, पोछा वोछा सब कर लूँगी। ऊपर का मैंने झाड़ू लगा दिया है सारा, अब मैं पोछा लगा लूँगी यहाँ पे। तो इनके पापा ने जाना भी था और वो मैंने इनको बोला था कि मेरे पास आज टाइम है कि चलो बच्चों स्कूल गए हों, फटाफट कर लेते हैं, आज निपटा लेते हैं बाहर का काम भी। वर्दियाँ के लिए रोज़ बोल देती कि यूनिफॉर्म लेनी, यूनिफॉर्म आज ले ही आते हैं, सर्दियाँ भी आ गई हैं। और बेटी को थोड़ा थोड़ा बुखार भी चल रहा था, बड़े वाली बेटी को बुखार हो गया, शायद ठंड लग गई है उसको, क्योंकि और कुछ ज़्यादा पहनने नहीं देते स्कूलों में अभी यूनिफॉर्म के लिए। पहले बोलते हैं कि क्योंकि घर के जो कपड़े हैं बच्चे वो पहन के नहीं जाते, तो मैं उनके लिए पहले मार्केट गई, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम हो गया था गए हुए स्कूल से, उधर को ही मैं बच्चों को मार्केट लेके गई साथ में ही, कि बार बार ना फ़ोन चेंज करने जाए, पहले ही बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं पहले ही उनको वहीं से स्कूल से ही सीधा मार्केट ले गई, वहाँ से उनकी मैंने यूनिफॉर्म ली। और मैं घर पे आके मैंने सिर्फ मम्मी डैडी के लिए ही खाना बनाया था, हमने तो बाहर कुछ खा ही लिया था, इतनी भूख नहीं थी। तो ये दो बच्चे देख रहे हैं ना, बेटी की गोद में बैठा है छोटे वाला, क्यूट सा, ये हमारे रेंट पे रहते हैं ये भी। इनकी मम्मी का ऑपरेशन है, वो हॉस्पिटल में थी, तो ये बच्चे हमारे पास थे, इनको भूख लगी थी तो मम्मी ने इनको चाय वगैरह दी और खाने को दिया। छोटा वाला तो इतना क्यूट सा है कि इसको नींद भी आ रही थी, तो मम्मी ने इसको पहले ही सुला दिया कि छोटा है अभी, और वो सो ही गया था मतलब। तो यहाँ पे फिर मेरा भांजा गया उसके पास बैठे बैठे, हमें कम से 1.5 घंटा हो गया बैठे बैठे, चाय पानी पी, बातचीत की हमने। तो बेटे को भी ना कुत्ते ने काट लिया है पैर पे, और मुझे बड़ा फील होता है जब इनको कुछ होता है ना ऐसा, तो मुझे बड़ा हर्ट करती हैं ये चीज़ें। मैं तो मतलब होता है ऐसे कि बचपन से हमने इनको अपने हाथ से पाल पोस के बड़ा किया है, तो मुझे बहुत फील होता है क्योंकि मैंने खुद इनको अपने हाथों से पाला है, और इसको मैंने गिफ्ट किया है, वॉलेट गिफ्ट किया है इसको मैंने इसको गिफ्ट नहीं किया था, दिया था अभी कुछ भी। तो ये कहता कि मुझे ना ये वॉलेट चाहिए, मैं कहा ये चल तेरे लिए दिवाली का गिफ्ट है। तो यहाँ पे जो ये सामान लेके जाता है ये मैं सेल करती हूँ, सामान प्लास्टिक का सामान है, कोई गिफ्ट आइटम वगैरह है मेरे पास, ये सारी बॉटल्स हैं जैसे गिफ्ट हैं, जार हैं, ये सारे मैं सेल करती हूँ, ये सेल ले जाता है, टब वगैरह हो गए जो, ये सब ये लेके जाता है मेरे से, और इसकी पेमेंट भी करके जाता है मुझे। तो मैं इसका सामान अब गाड़ी में खुद लगवाऊंगी, क्योंकि इसको चोट लगी थी और बार बार आ रहा था वहाँ से, तो बहुत इसका पैर देख के मुझे बड़ा फील हुआ कि इसको कुत्ते ने काट लिया। तो ये सामान लेके अभी रात को ही जाएगा, मैंने इसको रोका भी कि खाना वाना खा के जाना, तो ये चला ही गया था, मतलब बोला कि नहीं मुझे और कहीं भी जाना है अभी। तो सामान इसने अभी दुकान में लगाना है, फिर जाके फिर घर जाएगा उसके बाद ही, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 7:30 का टाइम था जब ये घर से गया। तो जब ये बच्चे ऐसे जाते हैं रात को, पहले चिंता सी होती है, इनको बार बार बोलना पड़ता है कि आराम से जाओ, आराम से जाना भाई घर पे। तो पहले जाते टाइम ही बड़ी फिक्र होती है इनकी,
तो जैसे ही घर आई मैंने सोचा चलो दूध दूध गर्म कर लेती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ। तो इधर ही देखो मान काम कर रखे थे हमारी सासू माँ ने, तो पता नहीं कैसे उन्होंने बच्चों को जैसे दूध दिया होगा, छोटे बच्चों को उनको पिलाया होगा, तो एक दूध का गिलास उसमें ये कैसे गिरा पड़ा पता नहीं, तो सारा फ्रिज में दूध ही दूध हो रखा था। तो इसको साफ़ करूँगी तभी जाके खाना होना बनाऊँगी। पहले तो लगता है कि ये छोटे छोटे काम होते हैं ना कहीं से बढ़ा देता है कोई, ये नहीं होना चाहिए ऐसा बार बार उस चीज़ को फिर दोबारा से साफ़ करो। फिर पता है दूध थोड़ा मोटा मोटा ही साफ़ किया है मैंने, अभी जो छोटे बारीक छिट्टे अंदर पड़े हुए हैं वो तो अभी किए भी नहीं है, मैं अलग से इसको धो के फिर दोबारा साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरी बेटी बोल रही मैं ट्राई करूँगी यूनिफॉर्म जो लेके आए हो, यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म उसको ट्राई करवा रही हूँ कि देख ले, कहती हूँ मैं कैसी लगती हूँ इस यूनिफॉर्म में, ये वाली यूनिफॉर्म लेके आए हम। यूनिफॉर्म भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं आजकल तो बाबा, इतनी डबल ट्रिपल ट्रिपल लगवा रखी हैं, डबल भी नहीं है, तीन तीन यूनिफॉर्म लगी हुई हैं स्कूल में, ऊपर से विंटर की भी आई है नई, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा महंगी लगती हैं ये चीज़ें। तो चलो सबके साथ है जी, बच्चे तो पढ़ाने ही हैं हमने, तो यहाँ पे वो ट्राई कर लेगी। और इसके पापा को बड़ी भूख भी लग रही थी, बोले क्योंकि हमने बाहर कुछ ज़्यादा नहीं खाया था फिर भी उसको भूख लगी थी, उन्होंने बोला कि मेरे लिए ना खिचड़ी बनाओ, मुझे खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने दीदी के घर ना भैया दूज पे खिचड़ी खाई और बोले कि याद आ रही है मुझे खिचड़ी की, आज आप खिचड़ी बना दो मेरे लिए। तो मैंने चलो थोड़ा सा आसान भी है खिचड़ी बनाना और सबको अच्छी भी लगती है, तो आज मैं खिचड़ी ही बनाऊँगी। तो खिचड़ी मैं रख कर आई थी गैस पे, तो मैं जब अंदर आई तो मैं यूनिफॉर्म्स दिखा रही थी इसको ट्राई करके, बेटी देख रही थी, तो खिचड़ी इतना बन गई थी हमारी। तो अब खाते हैं हम खिचड़ी, आइए खाइए एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू एंड बाय बाय।